नमस्ते है जी, धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, आज हम रेकी हीलिंग के नए सिंबल की चर्चा करेंगे। इस सिंबल से हम टेलीपैथिक कनेक्शन क्रिएट करते हैं, टेलीपैथिक मैसेज भेजते हैं हमारे अपने मन से किसी और के मन में, हम अपने मन से किसी वस्तु पे। ये कहें कि टेलीपैथी और टेलीकाइनेसिस दोनों ही हम इस सिंबल के जरिए कर सकते हैं। इसे थोड़ा ऐसे समझते हैं कि ये जो शक्ति है हम इंसानों में होती ही है, पशुओं में भी होती है। कुत्ते जब कुछ देखते हैं तो टेलीपैथिक मैसेज भेज करके बाकी कुत्तों को बुला लेते हैं, खतरा हम महसूस कर पाते हैं। चींटियाँ एक जब खाने का टुकड़ा कहीं देखती है तो बाकी चींटियों को हमें टेलीपैथिक कनेक्शन से मैसेज भेज कर बुला लेती हैं, उनके सिर में एक एंटीना होता है। पुराने ज़माने में भी जब घर में कोई मेहमान आने वाला है तो एक आभास हो जाता था, कुछ बुरा होने वाला है एक आभास हो जाता था, कुछ अच्छा हो रहा है मन अपने आप प्रफुल्लित होने वाला हो जाता था। तो ये टेलीपैथी कनेक्शन हमारे भीतर वैसे भी होता है। कई और वैज्ञानिक तरीके भी हैं इसे जागृत करने के, और समय के साथ हमारे बड़ों ने, हमारे सिद्धों ने कई तरीके निकाले, जिसमें से ये जो सिंबल है ओरियाना जिसका नाम है, ये सिंबल टेलीपैथी कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत ही कारगर है। सबसे पहले सिंबल को बनाना सीख लीजिए और उसके बाद इस पर मैं और गहरी चर्चा बताऊंगा। ये है ओरियाना सिंबल, दिखने में बड़ा ही जाना पहचाना लग रहा होगा आपको। बहुत पुराने समय के लोग जो हैं वो लोग जानते हैं कि दूरदर्शन का जो सिंबल था वो भी कुछ ऐसा ही था। हमारे टाइम के जो लोग हैं तो ये सिंबल दो मछलियों से मिलकर बना है, जैसे कि यिंग यांग का सिंबल बनता है बिल्कुल वैसे ही है, बस थोड़ा फर्क है, दोनों का काम भी अलग है। तो कुछ प्रैक्टिस के बाद आ जाएगा, बहुत परफेक्शन से बनाने की ज़रूरत नहीं है, है ना। एक मछली बनाया हमने, एक मछली पूरी हो गई, फिर उल्टी मछली फिर से बनाना है हमको, दूसरी मछली बनाना है। देखो ये कहीं से भी परफेक्ट है क्या? बिल्कुल परफेक्शन नहीं है। और मछली का साइज़ अगर आप ऐसे भी देखें तो दोनों एक जैसा नहीं होता है। तो ये दो मछली आपकी तैयार हो गई है, आप इसके बीच आप एक गोल बनाएंगे, यही वो गोल है जिसके भीतर आप उस इंसान, उस वस्तु या उस परिस्थिति या उस समय को इमेजिन करोगे, इस गोले के भीतर जिसकी तरफ आप संदेश भेजना चाहते हैं, है ना। तो यह है ओरियाना सिंबल, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, बहुत आसान है, बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं। कुछ प्रैक्टिस होगा और हवा में बनाना है, वैसे भी इसकी कल्पना ही करनी है तो बहुत ज़्यादा, ये कुछ इस तरीके से बनेगा जब आप इमेजिनेशन में बनाओगे या जब हवा में इस तरह से ड्रॉ करोगे तो, है ना। तो बहुत परफेक्शन नहीं, दो मछलियों के बीच में एक प्रकाश पुंज, यही है ओरियाना सिंबल। तो देखा आपने, ये बिल्कुल ऐसा ही है। पुराने दूरदर्शन का जो सिंबल हुआ करता था वो भी इससे ही ध्यान में रख कर के बनाया गया था। मतलब कि जो उस समय के लोग थे वो जानते थे, कहीं ना कहीं से उन्हें पता चला था कि ये ओरियाना सिंबल है, और इससे ही प्रभावित होकर के उन्होंने दूरदर्शन का ये सिंबल बनाया था। क्योंकि कहीं ना कहीं वो टेलीविज़न, टेलीपैथी, टेलीविज़न, टेलीफोन, ये सब टेली वर्ड से ही आया है, टेलीकाइनेसिस, ये सब टेली वर्ड से ही है। मतलब कि कोई चीज़ को, यहाँ की चीज़ को वहाँ तक किया जाए, जैसे टेलीपोर्ट, तो ये वर्ड जो टेली शब्द है वो किसी भी चीज़ को भेजने या प्राप्त करने को लेकर ही है। ओरियाना सिंबल जो है, ग्रैंड मास्टर तक की पढ़ाई जो लोग कर चुके हैं, जो रेकी हीलर्स कर चुके हैं, उन्हें ही लेना चाहिए। क्योंकि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तक की जो उनकी पूरी हीलिंग प्रैक्टिस होती है, जो उनकी साधना होती है, वो ग्रैंड मास्टर में पहुंचने के बाद इस सिंबल को लेना चाहिए। जब हम ग्रैंड मास्टर का अटेनमेंट देते हैं किसी को तो इस सिंबल का शक्तिपात देते हैं। और भी 12 सिंबल हैं, 12 से 13 सिंबल, उनमें से ये एक और सिंबल है जो दिया जाता है। हालाँकि जिन लोगों को ये शक्तिपात पहले नहीं मिला है, क्योंकि इस सिंबल का ज्ञान भी मुझे खुद जब इस सिंबल महारत हासिल होने में समय लगा तो इस सिंबल का ज्ञान भी हमें था नहीं, मतलब कि हमारे गुरुओं से मिला तो था लेकिन हम इसे कहीं ना कहीं सिद्ध नहीं कर पाए थे। तो
इस पर कभी चर्चा हुई भी नहीं है। ये बिल्कुल नई चर्चा है जो आप अगर आप इंटरनेट में खोजेंगे तो इसकी चर्चा आपको मिलेगी भी नहीं। ये बिल्कुल नया है, मतलब इंटरनेट में नया है, गुरुओं की चर्चाओं में बहुत पुराना है ना। तो बेटा अब जो ग्रैंड मास्टर जो मुझसे ग्रैंड मास्टर का शक्तिपात लिए हैं, जो पीछे बहुत पहले से कई सालों से 2-2.5 सालों से मैं अभी लोगों को सिखा रहा हूँ, तो जो लोग उनको ये शक्तिपात इसका शक्तिपात नहीं मिल पाया है वो वापस से हमसे कनेक्ट करके वही गुरुवार के दिन का शक्तिपात अपना समय बुक करके शक्तिपात ले लीजिए। छोटा मोटा जो एनर्जी एक्सचेंज है वो आप अपने जो मैनेजर से आप बात करेंगे उन्हें दे दीजिएगा। समझते हैं इसका प्रयोग कैसे करते हैं। हालांकि अपने कोर्स में तो मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए अगर आप ऐसे जानते हैं कैसे करना है। इसका प्रयोग करने के लिए सबसे पहले तो 3 लेवल की साधना जो कर चुका है या बहुत लंबे समय से ध्यान साधना की प्रैक्टिस जिसे है, जो प्राणायाम योग वगैरह करता है, जो ध्यान लगाना सीख चुका है कि 20-21 मिनट 30 मिनट जो ध्यान लगाकर बैठ जाता है, शांत होकर कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, वही इस सिंबल का प्रयोग करेगा। अदरवाइज छोटा मोटा टेलीकाइनेसिस या टेलीपैथी तो कोई भी कर सकता है। तो इस सिंबल के दम पे आप जब पहले एक लंबी ध्यान साधना सीख चुके होते हैं, कर चुके होते हैं, तब आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं पहले ये समझ लीजिए। दूर बैठे किसी इंसान के मन में अगर अपने कोई संदेश भेजना है, चाहे आप उन्हें जानते हो या ना जानते हो, अगर कोई आपका क्लाइंट, क्योंकि आप एक हीलर हो, एक हीलर के नज़रिए से ही आप इस सिंबल को सीखना चाहते हो, तो आपका कोई क्लाइंट आया और वो बोलता है कि फलाने से संपर्क नहीं हो पा रहा है, या मेरे रिलेशनशिप के इश्यूज़ में ऐसे ऐसे हैं, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, या मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है, या उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है, या कोई बच्चा या कोई पेरेंट्स कहीं गए हुए हैं, उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनका फ़ोन शायद स्विच हो पा रहा है, तो उन तक कोई मैसेज पहुंचाना है, या फिर कोई जॉब इंटरव्यू है और आप तक अभी तक कोई कॉल लेटर नहीं आया है, तो वो कॉल लेटर के लिए अगर आप उसके लिए आपने विश लिस्ट बनाया, आप कॉल लेटर के लिए बिल्कुल अपने आप को योग्य मानते हैं और आप तक नहीं पहुँच, तो वो मैसेज आप भिजवा सकते हैं। आपके क्लाइंट की बात चल रही है बेटा, है ना। तो आप उस कंडीशन में टेलीपैथी मैसेज क्रिएट करेंगे ये जो ओरियाना सिंबल के दम पे। ओरियाना सिंबल को हम बना, ओरियाना सिंबल उन्हीं के लिए है जिन्होंने एक लंबा अभ्यास किया है अपनी आज्ञा चक्र पर। मतलब ध्यान का अभ्यास करने का मतलब यह है कि आज्ञा चक्र पर अभ्यास करना है ना। तो आपने आज्ञा चक्र पर इसका अभ्यास लंबा कर रखा है, यानी कि जैसे कि शक्तिपात होने के बाद आप सातों चक्रों में एक एक करके सभी सिंबल्स का अभ्यास करते हैं, ये तो आप सबको पता है। जब आप इसका प्रयोग करेंगे तो किसी भी इंसान पर अगर कोई मैसेज भेज रहे हैं दूर, टेलीपैथी मैसेज भेज रहे हैं, या पास खड़े किसी इंसान तक टेलीपैथी मैसेज भेज रहे हैं, तो सबसे पहले उनको ट्रांसपेरेंट रूप में देखना, मतलब कि वो पारदर्शी रूप में देखना, और पारदर्शी रूप में उनकी आज्ञा चक्र को बिल्कुल अंदर भीतर कहाँ पर, बिल्कुल अगर कान से एक रेखा खींच लें और नाक से एक रेखा खींच लें, तो वो रेखा जहाँ क्रॉस होती है अंदर, वहाँ पर आप आज्ञा चक्र को देखेंगे। बिल्कुल प्यूटिटरी ग्लैंड बोलते हैं, पाइनल ग्लैंड भी कहते हैं आजकल इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में, तो उस जगह पे आप देखेंगे वो है केंद्र जहाँ आज्ञा चक्र की ज्योति जल रही है। आप सारा फोकस करेंगे उनकी आज्ञा चक्र पर, और जब आज्ञा चक्र पर फोकस कर लेंगे तो अपने हाथों में बिल्कुल इस तरीके से ओरियाना सिंबल को बनाएंगे, दोनों हाथों के बीच में जैसे ची बॉल बनाते हैं वैसे ओरियाना सिंबल बनाएंगे, और ओरियाना सिंबल को बना करके उनके और अपने आज्ञा चक्र के बीचों बीच उस ओरियाना सिंबल को रख देंगे एक छन्नी की तरह, है ना। तो और अपना सारा मैसेज जो भी आप देना चाहते हैं वो सारा मैसेज ओरियाना सिंबल में भेजेंगे, और ओरियाना सिंबल से ही वो घूमकर पहली मछली से घूमकर दूसरी मछली में होते हुए वो उसके आज्ञा चक्र पर पहुंच जाएगी। थोड़ी देर सांसों पर ध्यान लगा लीजिएगा, मतलब कि फोकस होने के बाद ही ये हो सकता है। जो अभ्यास किए उनको ज़रूरत नहीं है, जिनका लंबा अभ्यास है अपने ध्यान पर उनको ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल कंधे सीधे करके स्ट्रेट बैठ जाएंगे, कोई भी आसन हो सकता है, पद्मासन, वज्रासन, सिद्धासन, अर्ध सिद्धासन जो मैं यानी बैठा हुआ हूँ, आप बैठेंगे अपने कोई भी मुद्रा लगाएंगे,
पूरा फोकस करने के बाद जैसे ही आप बिल्कुल स्थिर हो गए, स्थिर होने के बाद वो मैसेज क्रिएट करें। आप जहाँ भी वो मैसेज भेजेंगे उन तक वो मैसेज पहुँचेगा, ना केवल पहुँचेगा, अगर आपकी साधना थोड़ी सी भी लंबी है, 90 दिनों तक की भी अगर आपकी साधना है, तो मान के चलो कि आप उनकी विचारों को मैनिपुलेट भी कर पाओगे। याद रखना, पॉजिटिव मैनर में मैनिपुलेट करना है। जैसे कि कोई इंसान कोई गलत आदत में है, गलत संगत में है, वो कोई आदत उसको छुड़ाना है, लेकिन वो खुद कुछ कोई आदत को छोड़ना नहीं चाहता है, तो उस कंडीशन में उनके मैसेज में वैसे सजेशन आप दे सकते हैं, उनके बहुत सारे डिसीजंस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि वो गलत है और आप सही हैं, और कहीं ना कहीं उसको भी अंदर से पता है, क्योंकि सब कॉन्शियसली सबको पता होता है कि वो सही है या गलत, तो उनके गलत डिसीजंस को सही डिसीजन में कन्वर्ट करने के लिए, उनको अगर कोई अनजाने में पाप कर रहा है तो उसे पुण्य आत्मा बनाने के लिए आप ऐसे कई सजेशन दे सकते हैं या दिला सकते हैं अपने हीलर से। तो ये बातें हैं। अब ये सारा मैसेज उन तक भेजेंगे, इसका डिटेल है बेटा, इसको जब आप सीखेंगे तो और अच्छे से समझेंगे, लेकिन ये मोटी मोटी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। दूसरा, जैसे टेलीकाइनेसिस, इसी सिंबल के दम पे हम टेलीकाइनेसिस आपको बताना चाहूँगा। जाने अनजाने हमने हमारे शास्त्रों में, हमारे संस्कारों में टेलीकाइनेसिस हमेशा से ही हमें सिखाया गया है। एक किसान जब बीज बोता है तो खेती शुरू करता है, तो अपने हल की, अपने औजारों की पूजा करता है। जब हम नई गाड़ी लेकर के आते हैं तो उस गाड़ी की हम पूजा करते हैं, आरती करते हैं, थाली सजाते हैं, और अपने अच्छे भाव देते हैं कि हमारे जीवन में आ पाए हैं तो वो अच्छे से हमारे घर पे रहें, हमें अच्छी यात्रा कराएं, है ना। एक नया सेल फोन लेते हैं लोग, वैसे सर पे लगाते हैं, पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं। तो ये वही टेलीकाइनेसिस ही है। इसी को ही हम ऑकल्ट साइंस में सही तरीके से इस सिंबल के दम पे हम टेलीकाइनेसिस में कोई भी चीज़ को, एक म्यूजिशियन जब अपने संगीत अपने दिवाली में या किसी त्यौहार में अपने जिसे वो बजाता है, अपने वाद्य यंत्रों की वो पूजा करता है, तो वो क्या कर रहा है, वो टेलीकाइनेसिस कर रहा है, है ना। तो आम इंसानों में टेलीपैथी टेलीकाइनेसिस होता ही है, तो वो चीज़ ही हमें हीलर के नज़रिए से सही तरीके से करने, किसी और कोई और इंसान आया और वो आपको बहुत मानता है, जैसे कि लोग मुझे फ़ोन करते हैं जब मैं काउंसलिंग करता हूँ, कंसल्टेंसीज लेता हूँ, लोगों की हीलिंग करता हूँ, तो जो लोग सैकड़ों हज़ारों ना जाने कितनी गिनती नहीं कितने लोगों की हीलिंग कर चुका हूँ। हर महीने मैं 300 लोगों से अधिक लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ, हालांकि हो नहीं पाता है क्योंकि लाइन लंबी होती है, समय भाव भाव भी हो जाता है। और तो कंसल्टेंसी जब मैं लोगों के लिए पाता हूँ, तो वो अपने पुराने किसी हीलिंग मुझसे कराए हैं या हमसे कराए हैं, और आज वो सिर्फ इसलिए फ़ोन करते हैं, अपॉइंटमेंट लेके इसलिए फ़ोन करते हैं, इतना समय वेट करके ये फ़ोन करते हैं कि हमने अपने घर में ये चीज़ लिया है, हमने अपने घर में ये चीज़ लाया है, या हमने घर बनाया है, या हमने घर में शादी करनी है, या शादी करवाई है, तो आप उन्हें अपनी ब्लेसिंग्स दे दीजिए, आप अपनी उनकी अपनी हीलिंग्स भेज दीजिए, अपनी अपना आशीर्वाद, कई शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यही टेलीकाइनेसिस। अगर कोई वस्तु है या कोई इंसान है तो उन तक अपनी प्रार्थना को भेजते हैं इसी माध्यम से, कि अगर दो जोड़े ने, अगर एक जोड़े ने शादी करी है तो उनके उन जोड़ों पर टेलीकाइनेसिस हम भेजते हैं, यही ओरियाना सिंबल से ही भेजते हैं कि उनका जोड़ा सलामत रहे, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे पर विश्वास करें, एक दूसरे पर दया करें, एक दूसरे के लिए चिंता करें, एक दूसरे के लिए केयर करें। ये पॉजिटिव मैनर वाली चिंता है, वो वाली चिंता नहीं है, है ना, चिंता चिता वाली चिंता नहीं है। तो ये हम उन तक भेजते, दोनों के मन में ये टेलीपैथी मैसेज भेजते हैं ताकि उन दोनों का प्रेम बड़ा हो सके। कई लोग ऐसा भी आता है कि दो लोग बहुत प्रेम किया करते थे, लेकिन अब उन लोगों के बीच बहुत झगड़ा होता है, फालतू बात पे कलेश होता है, फालतू बात पे एक दूसरे पे ईगो प्रॉब्लम आती है, तो उस कंडीशन पे वो बोलते हैं कि अपनी ब्लेसिंग्स भेज दीजिए। सोचो बेटा, एक हीलर के लिए ये कितनी बड़ी बात है कि कोई लोग कई कई दिन इंतज़ार करके फ़ोन का वेट करते हैं, और जब फ़ोन लगता है तो सिर्फ इतनी छोटी सी बात करते हैं और ये बोलते हैं कि आपको ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आपका समय बहुत कीमती है। मतलब कि 25-30 दिन वेट करने के बाद वो सिर्फ 5-7 मिनट
बात करता है और उन्हें ज़्यादा हड़बड़ी होती है। मैं बात करते समय मैं अपनी तरफ से कोशिश ये रहती है कि आप आराम से बात करिए, मैं आप ही का हूँ, लेकिन उन्हें जल्दी रहती है ये सोच करके कि आपको और भी काम है, और भी लोगों से बात करना। तो ये खूबसूरती है बेटा एक हेलर के लिए, इससे बड़ा वरदान, इससे बड़ा रिवॉर्ड कुछ नहीं हो सकता। बाकी सांसारिक जीवन में जो चीज़ें होती है वो तो सब है ना। तो ये था ओरियाना सिंबल, जिसके प्रयोग से आप चीज़ों में, मशीनों में, लोगों में, किसी ग्रुप में, किसी समय में आप अपने मैसेज यात्रा कर सकते हैं। और जो लोग ग्रैंड मास्टर सीखेंगे उसने उन्हें इस पर और डिटेल चर्चा इस पर सिखाएंगे, समझाएंगे। जूम मीटिंग का तो आप लोग के पास वीडियो आते ही, उन्हें भी देख करके आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ऐसे में, तो इतना काफ़ी है आज के अध्याय में, है ना। तो इसको धारण कीजिए, ये बहुत अच्छा सिंबल है। आशा करता हूँ ये अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।